मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि उसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक इस प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। मनुष्य के लिए उसका कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्णा गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई मर नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, अभी वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो खत्म हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना तुम कुछ लेकर जाओगे। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड्ढा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम सोच रहे होंगे कि मैं क्या हूं, तुम क्या हो। इसे भगवान के सहारे छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है जो उनके सहारे को पहचान जाता है। वो भय, चिंता, शोक से दूर होकर मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरुआत से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में ही है और मैं सब में हूं। ये धरती, चंद्रमा, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, रक्षक और इंसान बनाया। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मा स्वयं भी मैं ही हूं। मैं ही सबका पालन पोषण करता हूं और सबका विनाश करता हूं। मैं धरती के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पूर्ण धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचाना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए संदेह करने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे।
जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में सच्ची श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बना सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां सब कुछ खराब हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हारोगे तो तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं और जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, उन्हें परमात्मा अपने पास ही रखते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ एक दिन जरूर वापस मिलेगा। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी सोच से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियां से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। गीता में कहा गया है, कोई भी कर्म से भाग नहीं सकता है। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है,
सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उस भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कर सकता है वह शब्दों से नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। माफ करना और शांत रहना सीखिए, इससे ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। कभी भी ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता, और मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वो शरीर त्यागने के बाद पूर्ण जन्म नहीं लेते और वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतं शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद्वपति बीजं लभते हि तादृशं फलं, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा, इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भिरमायनं सक्षदिन्द्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है, कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के, अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे मां बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया, तभी हम धरती पे आ पाए, और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं, उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए, वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है,
माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहु बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है भाई। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते उठते बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है
इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का वहम एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य से। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी मैं ही हूं, मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी। मेरे लिए ना कोई गणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति सच्चे मन की भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूं। तुम सभी धर्म का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, संयम सदाचार स्नेह एवं सेवा बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी स्थिति आ जाए एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं किंतु शब्द आत्मा भी घायल कर देते हैं, इसलिए कभी भी किसी से ऐसा ना बोले जैसा आप खुद नहीं सुन सकते। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए ताकि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। दोस्तों,
जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, रोज जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम ना बोले फिर भी जो सुन लेता है उसका नाम परमात्मा है, और हम ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे इसका नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा से बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करें। संबंध उन आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल सका, मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर रिश्ते दोस्त सब बदलते हैं, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलते। भगवान के फैसला पर कभी शक मत करना, अगर आज सजा मिल रही है तो कभी कोई गलती भी अवश्य ही हुई होगी। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करें, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को इस तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियां को चुन चुनकर और इस भूल को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ के स्वामी बन हो तो वही दूसरे क्षण गरीब भी बन जाते हो, इसीलिए खुद में कभी अभिमान को आने मत दो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं। अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो पुरानी गलतियां को फिर से मत दोहराइए। जो हमें सबसे ज्यादा कठिन है सबसे पहले उसको करो। जिंदगी में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको बनाकर जाता है या फिर सीखा कर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं, इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख सकता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करें। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर कर्मत बताएं, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालना का रास्ता ढूंढते आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं, और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती है। मन में जो है साफ साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होता है और झूठ बोलने से फासले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने त्रिकोण को बदलो, अपने इरादों को बदलो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।
हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। मुझे हराकर कोई मेरी जान भी ले ले तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं देता। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो इसमें पूरी आपकी ही गलती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला, कर बुरा हो तो हो बुरा। श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। हमेशा यह ध्यान रखें कि आपसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में कोई है और वह भी संघर्ष कर रहा है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। याद रखिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा, बुरे के बाद अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि सुबह होने से पहले रात बहुत अंधेरी होती है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है तो यकीन मानिए, उसने उस सबक की उसने बहुत बढ़ेड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद से आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट लाइक करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।